हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ नए सिंप्लीफिकेशंस को देखें जो चुटकियों में उसका आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन देखने में डरावना लगेगा लेकिन हम आसानी से उसको सॉल्व करेंगे और ये आपके एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, स्टेट का जो भी एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आए देखते हैं सबसे पहले कि अगर 1/2 + 1/4 इसको जोड़ना है तो क्या होगा। तो ये जोड़ने सभी को आ रहा है क्या कि 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 दो से ये 2 बार में, 4 से 1 और आंसर आ गया 3/4। मैं आपको ये बोलता हूँ दोनों में जो बड़ा है वो नीचे और ऊपर एक कम, ऊपर एक कम, नीचे जो बड़ा होगा नीचे। जैसे एक और क्वेश्चन देखें, 1/2, 1/4, 1/8। अगर इस तीनों का पूछ रहा है 1/2, 1/4, 1/8 तो आंसर होना चाहिए तीनों में बड़ा कौन, 8, ऊपर एक कम 7। ध्यान क्या देंगे, ये इसका डबल है, ठीक है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ऐसे अगर ये हो रहा है तो ये 7/8। यहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं, एलसीएम अगर 2, 4, 8 का निकालेंगे तो 8 आएगा। 2 से भाग 2 4, 4 से इसको भाग 2 2, 8 से भाग 2, यानी ये कितना आ गया 7/8। यानी इसी ढंग से हम लोग अब आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन ये है तो 1/2, 1/4 इसको क्या लिख देंगे, 3/4। अब बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है। तो आंसर तो सभी के मन में आ रहा होगा, सब बोल रहे होंगे क्या कि सर 32 तो नीचे रहेगा ही और ऊपर एक कम, यानी 31/32। इसका आंसर देखिए पहले चेक कर लेना, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, तो इसके नीचे तो 64 आएगा ही और ऊपर एक कम यानी 63। क्लियर है। अब यहाँ देखें 128 तक है तो 128 सभी में बड़ा कौन है, 128, और देखेंगे क्या ये डबल है। तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, 64 × 128। क्लियर। अब ऊपर एक कम यानी 127, तो हो गया ना सेकेंडों में जवाब। सभी को समझ में आया टाइप कैसा रहेगा, तो जब ये ठीक डबल होता जाएगा और ऊपर ये 2, 4, 8, 16, 32, 64, एक कम 63/64, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 × 128, ऊपर एक कम 127/128। आगे देखे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, कहाँ तक है, 256 तक। तो सबसे बड़ा 256 है, ये भी चेक कर लेंगे, इसका 2 गुना, ये 4 × 8, ये 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, 64 × 128, 256। तो यहाँ तो रखेंगे 256 और ऊपर एक कम यानी 255। क्लियर है। अब यहाँ देखें सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 512 और ऊपर एक कम 511। यानी अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है इस टाइप का तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन है 20, 48 और ऊपर एक कम कर देंगे 20, 47। तो आंसर सेकेंडों में आपने जवाब दिया और क्वेश्चंस एग्जाम में ये पूछता है। तो हम लोग ये समझ गए कि 2 है 4 है, 4 का डबल 8 है, 16 है, तो वैसे होगा, ठीक है। अब आगे देखें अगर 3 वाला है, देखें अगर ये 3 है, चेक करते हैं 3 वाला में क्या करेंगे। 9 है तो 9 लिख दो और 9 में से 1 कम कर दो, 8, और उसका आधा ऊपर लिख दो। हम लोग चेक करते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं। 3 और 9 का LCM 9, 3 से भाग दिया, 3 × 3 = 9 और 9 से भाग दिया 1, आंसर आ गया 4/9। क्लियर है। इसको चेक करें
तीनों का एलसीएम क्या होता, 27, 3 से भाग दो 9, 9 से भाग दो 3, 27 से भाग दो 1, 9 3 12 और 1 13 बटा 27। मैंने क्या बोला कि ये सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा है कौन, 27, और तो 27 नीचे लिखेंगे, इसमें से एक कम कर लो क्योंकि ये दो से कटेगा नहीं, तो एक कम कर लो, 26 का आधा कितना, 13, यानी ये 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, जैसे अगला क्या है तो 81, तो हम लोग सीधा 81 लिखेंगे और 81 से एक कम करके बटा दो कर दो, कितना आ गया, 40, तो इसके ऊपर लिख देंगे 40। बहुत इजी क्वेश्चन। आगे देखें, ये 243 तक है तो यहाँ लिखेंगे 243, ठीक है, जो बड़ा है एलसीएम वही होता है, अगर वो सभी से कट जाए तो 243 तो होगा ही। अब क्या करेंगे, इसका आधा, तो पहले तो एक कम कर लो, 243 से एक कम कर लिया और इसको दो से भाग दे दिया, यानी 242 बटा दो, यानी 121, तो इसके ऊपर आ गया 121। ऐसे ही लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने अपने कॉपी पे बनाइए, जल्दी से कॉपी पे बनाइए और आंसर दीजिए फटाफट। चेक क्या करना है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, तो ये कितना होगा, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना आंसर लिखिए जल्दी से फटाफट। देखो जब भी मेरा क्लास करो, चाहे वो ऑनलाइन हो या लाइव हो या नहीं हो, तो जैसे मैं ऑफलाइन में बोलता हूँ कि रिप्लाई तुरंत किया करो, तो यहाँ भी रिप्लाई तुरंत किया करो, और पढ़ने के लिए बैठो तो पेन और कॉपी ले करके बैठो, बहुत आसान है जॉब लेना, जॉब लेने वाले नहीं है। अगर आप आज ही सोच लो कि मेरे को जॉब लेना है, तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको फॉलो अगर हम लोग करते हैं तो जॉब मिलता है। तो देखें ये 729 तो होगा ही, अब 729 से एक घटा दो 728, और 728 को दो से भाग दो तो 36 और ये 4, यानी 364, 364 बटा 729। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो सब लोग कमेंट जरूर करना, समझ में आया, आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, आपका कमेंट पढ़ करके अच्छा लगता है और लगता है कि नहीं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके आपके सामने आए, और कोशिश मेरा यही रहता है कि आपका किसी भी ढंग से जॉब हो जाए, उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो चले आगे, ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछता है कि यहाँ पे अगर 6 है और ऐसे ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो और ये डैश डैश लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, या आगे ये 56 है, 56 है, 56 है, तो इसका आंसर क्या होगा, या 20 है, ये था टाइप थर्ड, दो टाइप पहले देखे, 20 प्लस ये 20 प्लस 20, अगर इस टाइप से है तो इसका क्या होगा, या फोर्थ 42 प्लस 42 प्लस 42 ऐसे इन्फिनिटी तक रहेगा तो क्या आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी आप देखने के साथ दे सकते हो, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता तो इतना बराबर अगर x लेंगे और इक्वेशन देखो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ से भी लेंगे तो x ही होगा, यहाँ से लो तो भी x, यहाँ से लो तो भी x, और पूरा लो तो भी x, इक्वेशन बनाने के लिए एक टर्म रखते हैं 6 और प्लस बाकी को x, और ये बराबर x, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 6 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। मेरा ये कहना है कि हम लोग क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं करेंगे,
हम लोग क्वाड्रेटिक तो बहुत लोग तो बना लिए होंगे है ना, बहुत बना लिए होंगे अपने कॉपी में कि क्या आंसर होगा। जैसे सिक्स है तो हम लोग सिक्स को क्या करेंगे, दो लगातार टर्म में ब्रेक करेंगे, लगातार संख्या। छ इकाई छ लगातार नहीं हुआ, दो तिहाई छः, तो तीन और दो, और इसमें जो बड़ा वाला है ना वही प्लस साइन के साथ आंसर होगा। जनरली क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू आता है लेकिन एग्जाम में केवल एक प्लस वाला रहेगा, इसलिए हम लोग ये प्लस थ्री किए। ये छप्पन है, छप्पन को क्या लिख सकते हैं, आठ गुना सात, आठ सत्ते छप्पन। अब बताइए आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्लस एट। ऐसे ही ये ट्वेंटी है तो फाइव इंटू फोर, पाँचों का बीस, इसका आंसर क्या होगा, देख रहे हो जो बड़ा वाला है वही पाँच गुना चार, ऐसे इसका दो गुना दस भी होता लेकिन वो लगातार नहीं हो रहा है। अच्छे से समझें, लगातार संख्या का गुणनफल होना चाहिए, तो लगातार संख्या का गुणनफल 20 कब होगा, जब पाँच और चार होगा, तो पाँच और चार। यहाँ पे भी देखो दो लगातार संख्या में ब्रेक करो, सात गुना छः, तो कौन सा आंसर होगा, प्लस सात, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अच्छा सा कमेंट जरूर लिखना। आगे देखें, अगर यही अगला टाइप माइनस में है, माइनस है मतलब अगर ये आपका 12 ऐसे है, ठीक है, या सेकेंड 30 या थर्ड 72 और ये ध्यान देना ये इन्फिनिटी तक है, या फोर्थ 56 और ये स्क्वायर रूट लगता जाएगा, ये ऐसे स्क्वायर रूट 56, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ भी चाहे वो प्लस हो माइनस हो इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो हम लोग दो लगातार टर्म के प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे, ये होना चाहिए। तो दो लगातार संख्या कौन कौन हो रहा है, तो तीन और चार। जो अब ये देखो माइनस वाला है तो जो छोटा है वो इसका प्लस साइन के साथ आंसर होगा, जो छोटा है तीन और चार में, अगर बड़ा रहता तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। ऐसे ही हम लोग अगले वाले को देखें, 30 इसका क्या आंसर होगा, तो ये हम लोग लगातार संख्या में ब्रेक करें तो पाँच गुना छः, माइनस है छोटा वाला लेंगे, प्लस फाइव इसका आंसर होगा, क्लियर। आठ नवा 72, 8 और 9, छोटा वाला कौन है, 8 है, तो इसका आंसर प्लस 8 होगा। सात अट्ठे 56, 8 7 56 या 7 है, लगातार रहना चाहिए हमें से, बार बार लगातार मतलब डिफरेंस एक होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, तो जो छोटा है वो प्लस साइन के साथ आंसर होगा। तो ये भी टाइप बहुत इजी था, इसको भी अच्छे से करेंगे। फिर अगला क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एकदम पहली बात, डर हटा दो, पढ़ना है, और टीके सिन्हा जब साथ में है तो मैथ्स बहुत अच्छा होगा, इसकी गारंटी है। मैथ्स अच्छा है तो अदर सब्जेक्ट को भी अच्छा करने का मैं तरीका बताऊंगा, या आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल कराऊंगा कि आपका सही हो जाए, ठीक है। थैंक यू।